प्रशासन अगर कायदे से लाइन लगवाया होता तो हर आदमी रूबरू हो जाता। माला पहनाया गया था, उसके बाद जो माला वहाँ से उनका वापस हो रहा है, जो जमीन पर हम लोग नहीं गिरने देंगे, जो माला उनको पहनाया गया है वो माला हम लोग उनके साथ रखेंगे। अविश्वसनीय स्वागत हुआ है, असंभव। कोई नेता ऐसा नहीं जो इतना जनता से मिले। एक आधना आदमी का फोन चल जाएगा तो रिटर्न करेंगे जरूर कॉल बैक। बराबर जनता के लिए खड़े रहते हैं तो लोगों का लगाव स्वाभाविक है, गरीब से गरीब आदमी उनसे बात कर सकता है। बनारस के लिए खास मौका है क्योंकि वाराणसी के अजय राय जो पिछले 5 बार से विधायक रह चुके हैं, वे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बना दिए गए हैं और आज बनारस के इसी एयरपोर्ट पर उनका आगमन हुआ था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे और सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट की CISF के हाथ थी, तो वहीं लोकल पुलिस भी लगी थी, लेकिन आपाधापी की स्थिति थी और बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे मिल सके, उनसे रूबरू हो सके, माल्यार्पण कर सके, उनको अंगवस्त्रम भी भेंट कर पाए। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे हमारे साथ वरिष्ठ बुजुर्ग लोग भी हैं जो उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के होने के बावजूद भी उनसे नहीं मिल सके। क्यों आखिर आपाधापी हुई, क्यों इस तरह से भाग दौड़? भीड़ हम लोग कहाँ से कूदे, हम लोग 70 साल के हुए, कौन जाएगा लड़ाई लड़ने? हम लोग अब लौंडे हैं जो चापे हैं आगे आगे, वही लेके जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर से। ये लड़के कौन हैं जो इस तरह से माहौल हैं? लोग पिंडरा विधानसभा के हैं, लेकिन अब जो रोज मिलने वाले हैं उन्हें मिल पा रहे हैं, जो 2-4 महीना मिलने वाले हैं वही घेरे हैं उनको। यहाँ की स्थिति के बारे में बताइए, क्या आपाधापी हो गई थी? आप लोग वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, क्या देखिए उनका व्यवहार और बात जनता के बीच में इतना लगाव है, 5 बार विधायक रहे हैं और आज भी बराबर जनता के लिए खड़े रहते हैं तो लोगों का लगाव स्वाभाविक है। गरीब से गरीब आदमी उनसे बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, यही कारण है कितने लोग आए थे। अब चूंकि आदमी जहाँ ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा प्रशासन अगर चाहता तो थोड़ा परेशानी कम होती, लेकिन लोकल प्रशासन नहीं था। CISF वाले से जितना मेंटेन करना हो कि ये बेचारे लगाव उनका बहुत है और उनके परिश्रम का फल है कि उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस में मजबूती आएगी, वो घोर परिश्रमी आदमी। नाम आपका? लालजी पांडे। कुछ निराशा हुई क्योंकि आप लोग उनके इतने करीबी होने के बावजूद भी मिल नहीं पाए आगे? फिर अब इतनी भीड़ है, इसमें तो खुशी है भाई, खुशी है, इतनी स्वागत हुआ है, असंभव। अविश्वसनीय स्वागत असंभव, बिना बुलाए बिना कहे अटेंडम प्रोग्राम में इतनी जनता जुड़ी, किसी को सूचना नहीं आने की ना अध्यक्ष होने की। खुशी है कि जनता जुड़ी, जनता उनसे मिले। हम लोग आपने रखा है क्या पहना? नहीं, माला पहनाया गया था, उसके बाद जो माला वहाँ से उनका वापस हो रहा है, जो जमीन पर हम लोग नहीं गिरने देंगे, जो माला उनको पहनाया गया है वो माला हम लोग उनके साथ रखेंगे। अविश्वसनीय स्वागत हुआ है, असंभव। ऐसा स्वागत किसी सत्ता पार्टी जो आपाधापी मची उसके लिए किसको जिम्मेवार मान? प्रशासन, प्रशासन और क्या, प्रशासन अगर कायदे से लाइन लगवाया होता तो हर आदमी रूबरू हो जाता, उसी के नाते वो पैदल चल के गेट तक गए। दिख तो रहा है प्रशासन बकायदे लाइन भी लगाया था और आप लोग के सारे कार्यकर्ता एक समय तक जब तक अजय राय नहीं आए थे सभ्यता से खड़े भी थे, लेकिन जैसे उनका आगमन होता है अराइवल नंबर 1 से तो सारे लोग अपना आपा खो बैठते हैं। बनारस के लोग जो आए थे वो अपने के दुखाने के लिए फिर अपना के सामने हम पड़ जाए पहले। क्या मान रहे हैं कि डिसिप्लिन की कमी है? क्योंकि देखिए साफ तौर पर कतारबद्ध लोगों को रखा गया था, पुलिस और CISF के जवान भी लगे थे। CISF के जवान थे जो उनके जहाँ तक उनकी सीमा थी उन्होंने काफ़ी रक्षा किया। प्रदेश प्रशासन की तरफ से अगर व्यवस्था मजबूत रही होती यूपी पुलिस की तरफ से तो थोड़ा भगदड़ रुक सकती थी। कूदने में तो आपके कार्यकर्ता आगे आए, वो जो हिस्सा था जिसको घेर के रखा गया था, सब नए लड़के से अतिशाही से उनको शौक था, स्वागत उनका इतना बड़ा पद मिला है तो अतिशाही से सब इसलिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे। बाकी सब कार्यकर्ता तो गंभीरता से अपनी जगह खड़े थे, सब लोग मिलना चाह रहे थे, पर हम मिले। ये कहने की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में पार्टी का हुआ था, कोई नेता ऐसा नहीं जो इतना जनता से मिले। एक आधना आदमी का फोन चल जाएगा तो रिटर्न करेंगे जरूर कॉल बैक, चाहे कुछ देर में करें, ऐसा नहीं है। और घर में भी मिलने भेदभाव नहीं। ये थे हमारे साथ उनके अजय राय के विधानसभा पिंडरा विधानसभा जहाँ से वो चुनाव लड़के जीत चुके हैं, उनके क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जन बुजुर्ग जन, उनका कहना था कि ये कार्यकर्ताओं में उत्साह था जिसकी वजह से आपाधापी की स्थिति पैदा हुई। हालांकि जिस तरह की व्यवस्था पुलिस की तरफ से होनी चाहिए थी, इनका आरोप है कि उस तरह की व्यवस्था चाक चौबंद नहीं दी गई। रोशन जायसवाल, वाराणसी, UP।